तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि हमने एडिट करी है, वो भी इस सॉफ्टवेयर में, कोरल ड्रॉ में। तो वो आज कैसे करेंगे, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी दोस्त इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। तो जब तक आप स्किप नहीं करोगे, तो जब भी आपको क्लियर हो पाएगा, अगर स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक फ़ोटो ले लेंगे। तो फ़ोटो लेने के लिए हमें कुछ, हमने एक अपने एक खोल रखा है यहीं पे। तो अगर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे हमने कर ली, ठीक है। अगर आप, हम कोई और फ़ोटो भी ले लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने दो तीन फ़ोटो रख रखी है, जैसे कि अगर हम देखें, ठीक, ये फ़ोटो रख रखी है। तो इसको भी मैं एक बार ले आता हूँ, और ये वाली फ़ोटो भी हम ले लेते हैं, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। तीनों को ही आज मैं एडिट करूँगा और तीनों में आपको फ़र्क दिखाऊँगा कि कौन कौन सी आप चीज़ कर सकते हो। पहले तो आप MDF में भी इंग्रेविंग कर सकते हो, जैसे अगर हम फोटो एडिट करते हैं, और एक आप गोल्डन पैनल पे बना सकते हो, इंग्रेविंग कर सकते हो। तो वो आज कैसे करेंगे, वो आज मैं इस पूरे प्रोसेस की आज वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ये ले ली फ़ोटो, सबसे पहले जो हमने फ़ोटो ली थी वो वाली ले लेते हैं। इसमें हमने आपको क्या समझाना है, पहले थोड़ी सी फ़ोटो को एडिट करना पड़ेगा। फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको बिटमैप पे जाना है, फ़ोटो एडजस्टमेंट करना है, इमेज एडजस्टमेंट लैब पे जाना है। तो आपको थोड़ा सा आपको हाइलाइट्स करना है, अगर आप करोगे तो ये करके ब्लैक थोड़ा सा कर देना, जिससे कि थोड़ा सा ब्लैक हो जाए। अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो ये वाइट ब्लैक थोड़ा सा हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें फ़ोटो को ब्लैक में थोड़ा सा पोजीशन में लाना होगा, ताकि हमारी थोड़ी सी हार्ड रहे। कुछ हो गए, थोड़ी सी हमने एडिट कर दी। पहले हमारी कैसी थी ऐसी, और हमारी अब कैसे, थोड़ी सी हमारी एडिट कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, बिटमैप पे जाना है। बिटमैप पे जाने के बाद नॉइज़ आप कम कर सकते हो, या फिर आपको बढ़ाना चाहो, ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर आप नॉइज़ का देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा कुछ, अभी बैकग्राउंड हमने हटा नहीं रखा, इसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। जब भी आप कोई भी इमेज लो तो बैकग्राउंड रिमूव वाली लो, ताकि आपका पूरा इसी पे फोकस हो, साथ के जो वाइट बैकग्राउंड है उस पर आपको दिखेगा नहीं। हमने वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो ली है, ताकि आपको पीछे से साफ क्लियर हो इनग्रेविंग। तो ऑनलाइन भी आजकल बैकग्राउंड हट जाते हैं, अब एक बार हम बिट मैप पे जाएंगे। बिट मैप पे जाने के बाद मोड में जाएंगे, मोड में जाने के बाद ड्यूटोन करेंगे। ड्यूटोन में हल्का सा हम इसको कम कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि हमारी ब्लैक एंड वाइट थोड़ी सी फ़ोटो आ जाए ग्रे में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप MDF या फिर वुड पे इंग्रेविंग करना चाहते हो तो आपकी बिल्कुल ऐसी ही आने वाली है, लेकिन ये थोड़ा सा माथा भी आपका वो है जो कि आपका इंग्रेव होने वाला है, मतलब कि जो फेस है आपका वो भी थोड़ा सा इंग्रेव होने होएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रे ग्रे दिख रहा है तो वो भी इंग्रेविंग होएगा। लेकिन आपकी फ़ोटो बिल्कुल एकदम क्लियर आएगी अगर आप इस तरीके से आप इंग्रेविंग करोगे तो। फिर भी अगर आप पिक्सल्स में जाते हो तो पिक्सल्स कैसे आएंगे, पिक्सल्स में देखो, मोड में जाना है, ग्रे से करोगे तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। पिक्सल्स लाने के लिए आपको मोड में जाना है, ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ये हमारा लाइन हो गया, तो इसको हम पिक्सल्स आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर जूम इन करोगे उतने ही आपको पिक्सल्स दिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर ओके करते हो तो आपकी बिल्कुल इस तरीके से आएगी, लेकिन आपकी इंग्रेविंग जो होगी वो काफ़ी
अच्छी होगी। जो आपको मैंने MDF में अभी जो प्रीव्यू दिख रहा था साइड में, वो वैसे ही आपका इंग्रेविंग आने वाला है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई MDF पे। अगर इसको हम करें, या इसको छोड़ो, इसको करते हैं, इसको अगर हम ले के जाएं, मतलब कि हमें गोल्डन पैनल पे करनी है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। थोड़ी सी हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। मोड में जाके ब्लूटूथ लगाएं थोड़ा सा, ओके कर देंगे, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गई थोड़ी सी। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा ब्लैक एंड वाइट करके लाइन आर्ट कर देंगे। तो लाइन आर्ट में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें कैसा एडजस्ट, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। लाइन आर्ट में थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा फेस के हिसाब से, कि आपका फेस किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आपका फेस आ जाएगा जिससे अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे भी इंग्रेविंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ मतलब ये फाइल आप लेके जा सकते हो इंग्रेविंग के लिए भी, आपको लिए काफ़ी क्लियर ही आ रहा है। ठीक है ना, MDF या फिर सॉरी MDF में नहीं, गोल्डन पैनल पे आप इंग्रेव करोगे फोटो, तो आपको ये काफ़ी क्लियर आने वाली है। और ब्लैक मार्कर चलाना है तो आपका ये बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ ज़्यादा प्रोसेस की वीडियो नहीं है, ज़्यादा छोटी ही बनेगी। और इसको आप अगर ट्रेस करोगे, आउटलाइन पे करोगे, डिटेल लोगो करोगे, तो जब भी आप कर सकते हो। स्पेसिफिक कलर हमने सभी हमने डिलीट कर दिया, एक हमारा ये रेडी हो गया। चाहे आप येलो करो, ठीक है ना, ये आपका स्पेसिफिक कलर है। ठीक है, ये क्योंकि अभी हमारा अनग्रुप करेंगे तो ये भी हम डिलीट कर देंगे। अब हम गोल्डन पैनल पे अगर हम करते हैं, तो हमें कौन से फॉर्मेट में ले जाना चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट करेंगे BMP में। अगर आप PLT में करते हो, देखो अगर ऐसे भी लेके जाते हो तो आपका काफ़ी क्लियर आने वाला है। ठीक है ना, गोल्डन पैनल पे आप क्या करोगे, BMP में सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे। तो इसको हम सेव कर लेंगे। अब कोई भी टाइटल नहीं देंगे, इसी के ऊपर सेव करते हैं, क्योंकि पहला हमारा गलत हो गया था, क्योंकि हमने सिलेक्टेड ओनली नहीं किया था। तो अब देखो जैसे कि हमारे ये सेव हो चुका है, मतलब कि ये दिखा रहा है कि ऐसे आएगी। ओके करते हैं हम। तो इसके बाद हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारी फ़ोटो क्वालिटी कैसी रहेगी गोल्डन पैनल पे। अब जम कर, हम करेंगे इंग्रेविंग। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, इसमें आप इंपोर्ट करेंगे, ये हम डिलीट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद हम डेस्कटॉप पे, ये जैसे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी फ़ोटो क्लियर दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको फ़ोटो क्लियर दिखा रहा है। ठीक है ना, देखो आउटलाइन भी आपकी पूरी क्लियरिटी दिखा रहा है ना, आपकी फ़ोटो हर पॉइंट पिक्सल आपको एक न मतलब सही दिखा रहा है। कोई आपको अच्छे से इंग्रेविंग करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप अपने कोई भी कस्टमर की कर सकते हो, और अपने किसी चीज़ की भी, मतलब कि अपने कोई भी कस्टमर की अपने कोई भी फ़ोटो कर सकते हैं इंग्रेविंग बना के, एडिट करके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।